रांची में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रांची जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट और बिना मास्क के गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियम संगत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जा रहा है। गुरुवार को मास्क व हेलमेट के बगैर चलने वालों को विभिन्न चौक चौराहों पर पकड़ा गया। इसमें कुल 2,93,000 की राशि वसूली गई है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी रांची पुलिस अब इस कार्य को करने में अपना पूरा सहयोग दे रही है और लोगों को वो जागरूक कर रही है कि कृपया वो वाहन चलाते समय हेलमेट और मास्क का प्रयोग करें। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी हम सुजाता चौक में मौजूद है और एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है और वो ये बयान दे रहा है कि वो एक सिपाही है और वो मास्क पहनना ज़रूरी नहीं समझता। और जब यातायात पुलिस के द्वारा उनसे लाइसेंस मांगा गया तो उन्होंने इसे दिखाने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, तो कुछ दिन पहले जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक नियम निकाला गया है जिसके तहत कोई भी वाहन चालक बिना मास्क और बिना हेलमेट के रोड पर वाहन नहीं चला सकते हैं। और इसी को देखते हुए ये भी देखा जा रहा है कि मास्क की बिक्री भी जोरों शोरों से बढ़ गई है। आइए बात करते हैं एक मास्क बेचने वाले से कि इनकी क्या राय है इस पर। हाँ, मास्क का बिक्री तो बढ़ गया है 2-3 दिन पहले से जी। पहले तो कम बिक्री होता था लेकिन अब भाई लोग बहुत खरीदने लगे हैं। जरूरी पड़ गया मास्क का। बिना मास्क के चलने के बाद फाइन भी कर दे रहा है लोग। जी हाँ, तो बिना मास्क के चलने पर फाइन काटा जा रहा है और हमने पहले भी देखा कि कैसे पुलिस प्रशासन के द्वारा गाड़ी रोक कर उनका चालान काट दिया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उन्हें कई तरह चीजों की परेशानियों को सहना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले जिला प्रशासन के द्वारा जो अभियान चलाए गए हैं उसके तहत वाहन चालकों में तो कहीं ना कहीं अब जागरूकता देखने को मिल रही है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने मास्क और हेलमेट का प्रयोग नहीं किया तो उनके चालान काट दिए जाएंगे। पर अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग रोड में चल रहे हैं, आम पब्लिक, जिन्हें कोई फिक्र नहीं है, जिन्हें कोई डर नहीं है कि हम मास्क नहीं पहने हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क का उतनी तरह से अनिवार्य प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और पूरी सुरक्षा के साथ ही हम बाहर निकले और